एवरी वन आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर माय नेम इज रंजना एंड गाइस आज का मेरा ये हॉल वीडियो होने वाला है आप सबकी भारी भरकम डिमांड पे वंस अगेन मीशो से एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा फेस्टिव एडिशन इस हॉल के जितने भी कुर्ता इन कुर्ता सेट हैं ऑल आर परफेक्ट फॉर दिस फेस्टिव सीजन क्या अभी शुरू करते हैं आज के मेरे इस हॉल वीडियो से एंड आई एम सुपर एक्साइटेड आप सभी को दिखाने के लिए कि एक्चुअली कौन कौन सी ड्रेसेस को मैंने इस बार बाई किया है और right, तो शुरू करते हैं आज के मेरे पहले कुर्ता सेट से जो कि मैंने बाय किया है ब्लैक कलर में नाउ एज यू कैन सी बहुत सारे और कलर ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे तो ये जो कुर्ता सेट है बेसिकली इसमें आपको कुर्ता मिल रहा है रेन फैब्रिक का और इसका बॉटम वेयर भी रेन फ़ैब्रिक का है दुपट्टा तो जो आपको इस पर मिल रहा है वो बेसिकली सिल्क फैब्रिक का है एंड पिक्चर्स uh, से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये काफ़ी डिफरेंट कलर लग रहा है जो पिक्चर्स में है एंड देन जो मुझे रिसीव हुआ है बट दोनों ही कलर काफ़ी खूबसूरत हैं एंड लेट मी टेल यू गाइस कि जब भी फ्लैश फोटोग्राफी में पिक्चर्स ली जाती हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि पिक्चर्स के कलर थोड़े चेंज हो जाते हैं बट मुझे अच्छे दोनों ही लगे सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग इसके बाद अगर इसके आफ्टर वॉश रिव्यू की बात की जाए तो ओबियसली ब्लैक कलर है कभी भी पहली वॉश में हमेशा सेपरेटली वॉश ही करना चाहिए बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा कलर इससे ज़रूर रिड्यूस हुआ है बट मुझे एक्सपेक्टेड था तो आई एम नॉट डिस आई एक्चुअली लाइक दिस सेट रियली काइंड ऑफ टू मच एंड क्योंकि इसकी फिटिंग fabric सब कुछ काफ़ी अच्छा है और काफ़ी क्लासी दिखता है तो अगर आप किसी भी प्रोफेशनल पार्टी के लिए इसे ट्राई करना चाहती हैं थम्स अप फ्रॉम माई साइड आई टोटली टोटली लव दिस सेट एंड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका कोड मिल जाएगा एंड नेक्स्ट मेरे पास है ये लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता सिर्फ एक ही difference लगा मुझे कि नेक पे जो आपको एम्ब्रॉयडरी पिक्चर में दिख रही है वो सिल्वर कलर की है और जो मुझे रिसीव हुई थी वो है वाइट कलर की लाइक ए सेट कभी कभी फ्लैश फोटोग्राफी में भी काफी चीजें डिफरेंट दिखती हैं एंड uh, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस मैनुफैक्चरिंग uh, में हो जाता है बट एनी वेज़ ये जो कुर्ता सेट मैंने बाय किया है मैंने इसको साइज़ एम में वेयर किया है और हल्का सा लूज लग रहा था मुझे तो आपका जो भी ओरिजिनल साइज़ हो आपको एक साइज़ आप जाके बाय करने की ज़रूरत नहीं है आपको आपके साइज़ में ही परफेक्टली फ़िट होगा काफ़ी अच्छा लगा मुझे काफ़ी सिम्पल है सोबर है एंड अगर आपकी पसंद है सिंपल ड्रेसिस को तो आप इस तरीके के कुर्ता सेट में इन्वेस्ट कर सकती हैं बिकॉज़ आई थिंक इट वॉज़ एट और अराउंड 800 या समथिंग तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और इससे आफ्टर वॉश रूव्यू की बात करूँ तो ये कुर्ता सेट भी आ, बिल्कुल भी इससे कलर रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो है सिल्क पहनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे क्योंकि इस तरीके के मौसम में जो कि मेरी सिटी में हल्की सी गुलाबी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं उस मौसम में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने पर अच्छा है कलर भी अच्छा है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है सो so, मेरी तरफ से इफ़ आई हैव टू रेड दिस आई थिंक एम गोना गिव इट नाइन यासो ओके नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल लाइट ब्लू कलर का कुर्ता सेट नाउ ये मेरी रिसेंट परचेज है एंड इस पर आपको नेक पे बहुत ही ब्यूटिफुल सी हैवी एम्ब्रॉयड्री मिल रही है स्लीपे आपको मिल रहा है इस तरीके का वाइट कलर का बॉर्डर एंड देन पूरे के पूरे फ्रंट सेक्शन में आपको छोटे छोटे से एम्ब्रॉयडेड फ्लावर्स मिल जाएंगे इस पर जो आपको दुपट्टा मिल रहा है बेसिकली वो सिल्क फैब्रिक का है जो कि एक फुल लेंथ का दुपट्टा है एंड आई हैव टू बी ऑनिस्ट इस दुपट्टा को अगर आप चाहो तो बहुत सारी और डिफरेंस के ड्रेसिस के साथ, ड्रेस साथ एक्चुअली यूज़ कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा फोटोजेनिक ड्रेस है काफ़ी अप्रोप्रिएट है अगर आप किसी प्रोफेशनल जॉब में हैं लाइक अगर आप कोई टीचर हैं या इस तरह की, की कोई भी आपकी जॉब है तो आप ऑब्वियसली स्कूल फंक्शंस में इस तरीके की ड्रेसेस को आराम से कैरी कर सकती हैं कुर्ता बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है मेरी हाइट पे, सो so, अगर आपकी हाइट फाइव फ़ीट से लेके कर फाइव सिक्स फाइव सेवन तक है उस हाइट में आराम से आप इसको वेयर कर सकती हैं पैंट्स जो इसके साथ मिल रही हैं बेसिकली कंफर्टेबल हैं बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है लूज़ भी नहीं है और इसके आफ्टर वॉश रिव्यू की बात करूँ सो आई थिंक यू कैन आ लव हींग दिस कि इसमें आपको एज सच कोई भी कलर निकलता हुआ नहीं मिलेगा सो so, हाँ एक चीज़ और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी थी मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा जेंटली हैंड वॉश किया था एंड इसी वजह से हो सकता है इसका कलर नहीं निकला है बट ऑबियसली ज़्यादा एम्ब्रॉयडर ड्रेसिस को आपको मशीन वॉश करना भी नहीं चाहिए सो आई टोटली लव दिस कुर्ता सेट टू नाउ नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल रेड कलर का कुर्ता सेट ना अभी वेडिंग्स का सीजन शुरू हो गया है तो अगर आप अपनी वाड्रोम में कोई ऐसा अफोर्डेबल सी ड्रेस को चूज़ करना चाहते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने में हो और बिल्कुल भी एक्सपेंसिव ना हो तो आप इस तरीके के जो फॉयल प्रिंट के कुर्ता सेट होते हैं उन्हें ऐड कर सकती हैं दुपट्टा तो इस सेट का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा रेडिश मरून कलर का है इसमें आपको जो बॉटम वेयर मिल रहा है बेसिकली वो प्लाजो है एंड दोनों का ही यानी कि कुर्ता और इसके बॉटम वेयर दोनों का ही जो फैब्रिक है वो कॉटन और रेन का मिक्सचर है यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है शादी पार्टीज़ में ऐसे कलर भी बहुत अच्छे लगते हैं बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस बाई नहीं करना चाहती हैं तो मेरी तरफ से इट्स अ थम्स अप ये ड्रेस आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है नाउ वन थिंग जब मैंने इसको मशीन वॉश किया था बिकॉज हैंड वॉश करना मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था तो आ, अगर आप इसे मशीन वॉश कीजिएगा तो या तो क्विक वॉश पे लगाइएगा क्योंकि इसमें फॉयल प्रिंट हैं और एक चीज़ और आ, जब मैं इसको वॉश कर रही थी तो मैंने इसको हल्के से ठंडे पानी के साथ वॉश किया था क्योंकि आई डोंट नो इट्स अ ट्रिक और समथिंग उससे फॉल प्रिंट थोड़े से आ, मैं कह सकती हूँ कि मुझे निकलते हुए तो नहीं दिखे सो फर्स्ट टाइम के लिए आई थिंक मेरी तरफ से थम्स अप ओके नेक्स्ट आई हैव अनदर रीसेंट कुर्ता सेट जो कि मैंने बाय किया है बेसिकली ये क्रीमिश और ग्रे कलर में ना इसमें भी आपको तीन या चार कलर अवेलेबल हैं तो जो भी आपको पसंद हो ना इस कुर्ता पे आपको काफी ज्यादा हेवी एंब्रॉयडरी मिल रही है जो कि इसके बॉटम वेयर पे है पूरे के पूरे फ्रंट सेक्शन में है कुर्ता पे एंड ये है चंदेरी सिल्क फैब्रिक का एंड अंदर आपको कॉटन की लाइनिंग भी मिल जाएगी सो तो इस तरीके का बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको नेक मिलेगा स्लीव्स मिलेंगी एंड पूरा का पूरा फ्रंट सेक्शन भी तो जो आपको इस पर मिल रहा है बेसिकली वो नेट फैब्रिक का है एंड इस पर जो आपको नीचे पॉटम मिल रहा है बेसिकली ये भी डिज़ाइनर टाइप का है तो इस कुर्ता सेट के लिए ऑब्वियसली लाइक आई आई थिंग बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी है तो ओबियसली आपको इसे हैंड वॉश ही करना पड़ेगा एंड uh, इसको जब मैंने हैंड वॉश किया सो आई वॉज सुपर हैप्पी कि इससे कोई भी कलर लाइक आई आई मीन दिस वर्ड कि कोई भी कलर आपको निकलता हुआ नहीं मिलेगा सो टेन ऑन टेन फ्रॉम माई कनेक्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल कुर्ता सेट जो कि कुर्ता पैंट्स एंड दोपट्टा का सेट है द फर्स्ट थिंग विच गॉट माई टेंशन कि जो कलर मैंने ऑर्डर किया था ना मुझे उससे काफ़ी डिफरेंट कलर रिसीव हुआ है बट एनी वेज जो कलर मुझे रिसीव हुआ है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सो आई एम नॉट कम्प्लेनिंग नाउ इस पर आपको पूरा का पूरा फ्रंट सेक्शन जो है वो मिल जाता है इस तरीके का सीक्वेंट वर्क है आ, इस पर जो आपको है ये चंदेरी कॉटन फैब्रिक है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है पहनने पे अंदर आपको कॉटन की लाइनिंग मिल जाएगी दुपट्टा मिल रहा है प्रॉपरली फुल लेंथ का सिल्क दुपट्टा तो ऑब्वियसली इस ड्रेस को वॉश करने में बहुत ज़्यादा आपको केयर केयर करनी पड़ेगी क्योंकि पूरा का पूरा सीक्वेंट की ड्रेस है तो इसे मैंने हैंड वॉश किया था इससे ऊपर के जो चंदेरी मिल रहा है चंदेरी कॉटन उससे कोई कलर नहीं रिड्यूस हुआ है अंदर जो आपको कॉटन की लाइनिंग मिल रही है उससे ज़रूर कलर रिड्यूस हुआ है बट अगैन मुझे कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि ऊपर का फैब्रिक और उसका कलर एग्जैक्टली वैसा ही है हाँ अंदर की लाइनिंग से थोड़ा बहुत कलर गया तो मुझे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं तो so, इसके साथ जो आपको पैंट्स मिल रही हैं काफ़ी कम्फर्टेबल हैं लुक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल सा आता है एकदम अभी वेडिंग्स का सीज़न शुरू हो गया है तो उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट ड्रेस है अगर आपको यू नो मेहंदी के फंक्शन में या फिर संगीत में या फिर इस तरीके के फंक्शन में जाना है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सी ड्रेस है ओवरऑल uh, इस तरीके की ड्रेसेस ना ना सिर्फ शादी या पार्टीज आप कभी भी पहन सकते हैं लाइक फैमिली गेट टुगेदर या फिर uh, किसी भी ओकेजन पे सो आई टोटली लव दिस एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय अनदर कुर्ता एंड प्लाजो का सेट जो कि एक कॉटन फैब्रिक का कुर्ता एंड प्लाजो है ना इसमें जो डिफ्रेंस मुझे समझ में आया इसमें मॉडल ने बेसिकली पैंट्स वेयर की हैं और जब मुझे सेट रिसीव हुआ था तो बेसिकली वो प्लाजो था बट अदर देन दैट ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि पहनने पे मुझे पैंट्स और प्लाजो दोनों ही पसंद हैं वन थिंग मैंने इसको साइज़ एम में वेयर किया है एंड आई हैव टू से कि ये थोड़ा सा लूज लग रहा था मतलब जितना मुझे एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा ज़्यादा लूज़ बट उसके अलावा मुझे कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आई कॉटन फैब्रिक है तो आप तो वैसे भी साल में कभी भी इसे वेयर कर सकती हैं ऑफ़िस के लिए ट्रैवलिंग के लिए या यू नो फैमिली गेट टुगेदर की पार्टीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड ब्यूटीफुल सा फैब्रिक होता है ऊपर से इसकी फिटिंग भी अच्छी ही है आ, अगर आप इसको बाई कीजिएगा बस अपने साइज़ में बाई कीजिएगा ऊपर या नीचे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एंड इसको वॉश कीजिएगा मेक श्योर सेपरेटली वॉश कीजिएगा क्योंकि इसमें इसके बॉटम वेयर से थोड़ा सा कलर ज़रूर निकला है तो हल्का सा मरूनिश टाइप का है तो मेक श्योर sure कि आप इसे अलग से वॉश कीजिए एंड नेक्स्ट आई हैव अगेन दिस पीची पिंक कलर का कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टा का सेट नाउ ये पूरा का पूरा फ्रंट सेक्शन वंस अगेन आपको मिल रहा है एम्ब्रॉयडरी प्लस सीकेंट का वर्क आपको इस पर भी मिलेगा इसमें स्लीव जो आपको मिल रही हैं वो हल्की सी बेल पैटर्न की हैं uh, मुझे नहीं पता ये पैटर्न अभी भी ट्रेंडी है या नहीं लेकिन पार्टीज़ के लिए अच्छा लगता है तो मेरी हाइट पर ये फिर से है काफ लेंथ का और दुपट्टा आपको जो मिल रहा है वो नॉर्मल शिफोन का दुपट्टा जिस तरीके का होता है वही है लेंथ इसकी प्रॉपरली फुल है एंड अगेन काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा काफ़ी ज़्यादा एल क्लास का लुक आ रहा था ना इसे अगर आप वॉश करना चाहते हैं क्योंकि पूरा का पूरा फ्रंट सेक्शन इसका हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड है मैं इसके लिए भी बोलूँगी आप इसे हैंड वॉश ही कीजिएगा इसमें शिफॉन के दुपट्टे तो से कोई भी कलर ऑब्वियसली नहीं निकला है एंड क्योंकि उसको तो मैंने बहुत ज़्यादा जेंटल वॉश किया था एंड क्योंकि पूरे के पूरे ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी थी तो मैंने सेम वही काम किया है कि बहुत जल्दी से हैंड वॉश करके इसे निकाल रहा है क्योंकि इस तरीके की ड्रेसेस को आप बहुत ज़्यादा हैवी मशीन वॉश करना भी नहीं चाहते हैं सो so, नटशल में बोलूँ मुझे जिस प्राइजेस पे रिसीव हुई थी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी ड्रेस है जिससे कलर नहीं निकलेगा एंड अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लेकर ट्राई कर सकती हैं सो सोलह ऑर्डर कीजिए एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड डेट हीट द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज आई एम अपलोडिंग अ लॉर ऑफ वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं डोंट फर्गेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन और अगर आप नए हैं आपने मेरे चैनल के प्रीवियस के दो वीडियोज़ नहीं देखे हैं सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ओवर एम सी यू सुपर सुपर तब तक के लिए बाय